अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं यूट्यूब पे जो है वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस भी थे कि सर जी शॉपिफाई कोर्स जो है वो आगे स्टेप बाय स्टेप चलाएं, तो काफ़ी मसरूफियात के बाद आज हम फिर आप लोगों के साथ हाजिर हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा शॉपिफाई कोर्स था वो काफ़ी सारी चीज़ें सोर्सिंग तक, हम प्रोडक्ट सोर्सिंग तक पहुँच गए हैं कि प्रोडक्ट आपने हंट कैसे करनी है, सोर्स कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें। आज जो हमारा स्टेप है कि अब हमने क्योंकि शॉपिफाई स्टोर को डिज़ाइन करना है, शॉपिफाई स्टोर को डिज़ाइन करने के लिए देखें फिजिकल भी ना, जब हम कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान बनाते हैं, कोई रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, तो पहले उसका नाम सेलेक्ट करते हैं कि यार अब इसका नाम क्या जो है ना, वो कौन सा नाम रखना है, इस स्टोर का नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम जो है वो अपने स्टोर का नाम सेलेक्ट करेंगे। देखिए कोई भी बिजनेस करते हैं जब, तो पहले उसका नाम सेलेक्ट किया जाता है, देन उसको डेकोरेट किया जाता है कि जी अब हम इस जो है स्टोर का ये नाम रखना है, अब इस स्टोर को डिज़ाइन करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा क्राइटेरिया होता है, हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम स्टोर का नाम डिसाइड करते हैं कि इस स्टोर का जो नाम है वो क्या रखना है, देन उसके बाद जो है हम अपने स्टोर को डिज़ाइन करते हैं। तो आज मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि ये बहुत ज़्यादा लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि जी हम स्टोर का नाम क्या रखें, कैसे रखें। तो ख़ुद से कुछ नहीं करना, आजकल जदीद दौर है, हम हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। स्टोर को जो हमने नाम देना है उसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, या फिजिकल सिस्टम के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई फिजिकल स्टोर आप बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, तो आप ये हेल्प वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन हमने क्योंकि ऑनलाइन स्टोर बनाना है, हमने लोकल ई कॉमर्स के लिए स्टोर बनाना है, तो मैं आपको वन बाई वन एक एक चीज़ बताऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन पे कि आप अपने स्टोर का जो नाम है वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे आसानी से अपने स्टोर का नाम जो है वो चॉइस कर सकते हैं। अब देखें ना, ऐसा होता है कि अगर हमारे पास 10-15 नाम हो ना, उनमें से हम एक दो नाम, तीन नाम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हमारे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आएगा, एक एक करके ढूंढना पड़ेगा जी उसके स्टोर का ये नाम है, उसके स्टोर का ये नाम है, फिर आपको वो जाके डोमेन चेक करनी पड़ेगी आया कि ये डोमेन अवेलेबल है नहीं है। लेकिन इस पे यहाँ पे ये होगा कि आपको वो डोमेन भी वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप स्टोर देखेंगे, अगर उस स्टोर का नाम वो होता है जो आप सेलेक्ट करते हैं, तो वही डोमेन भी आपको मिल जाएगी। तो अभी हम जो है वो सिंपली लैपटॉप की स्क्रीन पर जाएंगे, वहाँ चल के देखेंगे कि आपने अपने जो स्टोर का नाम है वो कैसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने डोमेन कैसे खरीदनी है, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अच्छा जी, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, यहाँ चल के हम देखते हैं कि आपने अपना जो है वो स्टोर का नाम कैसे जो है ना वो सिलेक्ट करना है। आपने ये लिखना है बिजनेस नेम जनरेटर, क्रोम के अंदर आना है, यहाँ पे लिखना है, मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। आपने यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके क्लिक कर देना है। ठीक है, और भी आपको वेबसाइटें मिल जाती हैं, लेकिन ये एक अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आपने आ जाना है बिजनेस नेम जनरेटर वेबसाइट पे। ठीक है जी, यहाँ पे आपने लिखना है ई कॉमर्स स्टोर लिख लें। ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर इसको आपने स्टार्ट कर देना है, स्किप कर दें, और यहाँ पे आपके सामने जो है वो स्टोर के काफी सारे नेम आ जाएंगे। ये देखें, अच्छा कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे इनको अपना फेवरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको पसंद आता है आप यहाँ पे दिल पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपको यहाँ से आपने देख लेना है, आपने काफी सारे जो नाम है ये डॉट कॉम में भी है, डॉट को में भी है, ये वेबसाइट है आपको जो नज़र आ रही है, ये डोमेन नज़र आ रही है। ठीक है, ये आपको वो वाले नाम मिल रहे हैं जो गोडैडी से या कहीं से भी आप डोमेन जो है वो बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जो है वो डोमेन बाय करनी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जो है वो नाम सेलेक्ट करना, यहाँ से आपने जो है वो नाम सेलेक्ट कर लेना है। मजीद जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि इंटरनेट का इश्यू है। यहाँ से आप कोई भी नाम जो आपको बेहतर लगता है कि यार ये वाला नाम जो है वो मैंने सेलेक्ट करना है, तो आप वो वाला नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतने सारे नाम आ गए, मजीद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये और ओपन कर देगा। तो जो भी आपको नाम अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, कैची लगे, जो आपको बेहतर लगे, वो आपने क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल ये तरीकाकार है, आप अपने स्टोर का नाम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी और चीज, किसी और भी स्टोर का नाम या किसी
किसी भी बिजनेस का नाम आप अगर जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। इसी वेबसाइट पे बिजनेस नेम जनरेटर पे आएंगे, यहाँ पे उस चीज़ का नाम लिखेंगे अपने उस हवाले से कि आपने ये इस चीज़ का नाम सेलेक्ट करना है, स्टोर का चाहिए, रेस्टोरेंट का चाहिए, किसी चीज़ का भी, तो आप यहाँ से जो है वो नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो है वो डोमेन कैसे बाय करनी है और उसका क्या तरीकाकार है। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।